नमस्कार दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने संसाधन यानी कि रिसोर्सेस को समझा था, उसके बाद उसके टाइप्स को यानी कि प्रकारों को देखा था। इस पार्ट में हम उनके एक एक टाइप्स को समझेंगे, तो चलिए चलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप के रिसोर्सेस थे, याद है ना, दो टाइप के। उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप के रिसोर्सेस थे, दो टाइप के। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर, बेसिस पर कितने टाइप के रिसोर्सेस थे, दो टाइप के। सबसे पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। पहला है बायोटिक रिसोर्सेस, दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेस। तो जैव संसाधन, अजैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेस, अबायोटिक रिसोर्सेस, ये क्या होता है एक एक करके समझते हैं। तो जिन संसाधनों में जान होती है, यानी कि तुम सभी संसाधनों जो भी है तुम्हारा फेवरेट, उन सबको इकट्ठा कर लेना, एक जगह पर रख लेना और फिर चेक करना कि जिन संसाधनों में जान होती है, द रिसोर्सेस दैट हैव लाइफ, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, यानी कि बायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य यानी कि ह्यूमन बींग्स, वनस्पति जात फ्लोरा, मनुष्य में जान होती है या नहीं होती है, तो होती है। वनस्पति जात यानी कि जो फ्लोरा है, यानी वही पेड़ पौधे ट्री वगैरह जो भी है, उसमें जान होती है या नहीं होती है, तो होती है। प्राणी जात यानी कि फौना, वही जानवर वगैरह जो आपको जंगल में मिल जाएगा। उसके बाद मत्स्य जीवन, फिशरीज, तो मछली में जान होती है या नहीं होती है, होती है। पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक, तो इन सब में जान होती है, इसीलिए ये कौन सा संसाधन हो गया, जैव संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेस। तो एक ही चीज याद रखना, जिन संसाधन में जान होगी, जिस संसाधनों में जान होगी, उस संसाधन को जैव संसाधन यानी कि लिविंग थिंग, और सजीव यानी कि जो संसाधन सजीव होंगे, जो जिसमें जान होगी यानी कि जो जिसमें लाइफ होगा, जिसमें जो आपका लिविंग थिंग होगा, उसको हम बायोटिक रिसोर्सेस कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। सेकंड देखो, अजैव संसाधन यानी कि अबायोटिक रिसोर्सेस। तो अब अजैव संसाधन बिल्कुल इसका ठीक उल्टा है, क्या है कि जिन संसाधनों में जान नहीं होती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। द रिसोर्सेस दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेस। जान होती है, जान नहीं होती है, लाइफ होती है, इसमें लाइफ नहीं होती है। तो इसमें देख लो कौन कौन सा है, चट्टाने यानी रॉक्स वगैरह, पत्थर वगैरह में लाइफ होती है क्या, नहीं होती है, तो ये अजैव संसाधन कहलाएगा। उसके बाद देख लो धातु यानी कि मेटल्स हो गया, मेटल्स यानी कि वही आयरन हो गया आपका, आपका कॉपर हो गया, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे धातु है आपका, मेटल है, यानी कि लोहा हो गया, फिर उसके बाद आपका तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इन समय क्या है, जान नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएगा, अजैव संसाधन। तो ये वैसे भी याद हो गया होगा कि जिस संसाधन में जान होती है, द रिसोर्सेस दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेस, जैव संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये, और एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल ही याद करवा, एग्जाम्पल ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम्पल। कोई सा भी एक उठा के दे देंगे और बोलेगा कि ये जैव संसाधन है या अजैव संसाधन है, बायोटेक रिसोर्सेस या बायोटेक रिसोर्सेस, तो एग्जाम्पल आएगा या कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, तो घबराना नहीं है, पहले पढ़ो उसके बाद देखो उसमें जान है या नहीं है, जान होगा तो जैव, जान नहीं है तो अजैव। अरे जान जान बार कर रहे हैं तो तुम कुछ और तो नहीं समझ रहे हो ना, कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अपने टॉपिक पे चलो, परी को देखो आप, जान को देखो अपने, तो ये जान है, परी है, प्यार से मैं इसको परी कहता हूं। तो परी पर देखो, परी के लिए क्या क्या सजाया गया है, इसमें क्या क्या चीजें लगी है, तो उन सब वस्तुओं को देखो कि उसमें जान है या नहीं है। ज्वेलरी में जान है या नहीं है, ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, इसमें लाइफ है या नहीं है, तो नहीं है, ज्वेलरी में लाइफ नहीं होती, तो ये क्या हो गया आपका, अजैव संसाधन, अबायोटिक रिसोर्सेस। इसका इनका जो साड़ी दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, इसमें जान है या नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, अजैव संसाधन, अबायोटिक रिसोर्सेस। ये खुद जो परी है, क्या परी में जान है या नहीं है, यानी कि परी मनुष्य हो गया, तो अब ये बताओ आप लोग कमेंट करके कि
कि इसमें जान है या नहीं है। जान है तो क्या होगा और जान नहीं है तो क्या होगा। लाइफ है परी में तो क्या होगा और लाइफ नहीं है तो इसमें क्या होगा। तो ये था आपका जैव संसाधन। अजैव संसाधन ये याद हो गया होगा, जान से याद रखना है केवल। उसके बाद है समाप्यता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अगर हिंदी में थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाती है। समाप्यता मतलब समाप्ति के आधार पर कौन सा संसाधन, आपने जो संसाधन इकट्ठा किया तो एक तो जान और बेजान वाला छांट लेनी है। उसके बाद अब देखनी है कि कौन सा संसाधन जल्दी समाप्त हो जाएगा और कौन सा जल्दी समाप्त नहीं होगा। तो इसमें भी दो टाइप के रिसोर्सेज थे। समाप्यता के आधार पर कितने टाइप के रिसोर्सेज थे, कितने प्रकार के रिसोर्सेज थे, दो प्रकार के। सबसे पहला नवीकरणीय संसाधन, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये क्या होता है समझते हैं एक एक करके। वे संसाधन जो असीमित मात्रा में है, सबसे पहला असीमित यानी कि अनलिमिटेड, और एक बार प्रयोग करने के बाद इन संसाधनों को दोबारा बना सकते हैं, आसानी से दोबारा बना सकते हैं। दूसरी बात, पहला अनलिमिटेड है और दूसरा इसे हम आसानी से दोबारा बना सकते हैं। रिसोर्सेस दैट आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, अनलिमिटेड है क्वांटिटी में, एंड कैन बी इजिली रीजनरेटेड वंस यूज्ड, इट इज कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेस। यानी कि जो रिसोर्सेस अनलिमिटेड मात्रा में है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, असीमित मात्रा में है, और जब हम उसका एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो उसे हम आसानी से दोबारा बना सकते हैं, आसानी से उसे दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवीकरणीय संसाधन यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्सेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। इन सब जो भी एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ये अनलिमिटेड मात्रा में, पहली बात तो, और दूसरा इसे हम इजिली रीजनरेट कर सकते हैं, इजिली हम दोबारा से बना सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्सेस कहा जाता है। इसको एक बार समझो तो ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि वे संसाधन जो सीमित मात्रा में है, लिमिटेड में है, ये अनलिमिटेड में था, देख लो असीमित में था, ये सीमित मात्रा में, जो संसाधन सीमित मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में है, और एक बार प्रयोग करने के बाद इन संसाधनों को बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दोज रिसोर्सेस विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, ये अनलिमिटेड में था, ये लिमिटेड में है, एंड वंस यूज्ड इट टेक्स थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ इयर्स टू मेक दीज रिसोर्सेस, इट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो क्या याद रखनी है, इसको दो शब्दों से याद रखनी है। सबसे इसमें देख लो, जैसे कि खनिज हो गया, मिनरल्स हो गया, जीवाश्म यानी ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, तो ये क्या था, ये हमने फर्स्ट पार्ट में समझ लिया था, और ये सब के सब क्या है, लिमिटेड में है, सीमित मात्रा में लिमिटेड है, और एक बार जब हम इसका प्रयोग कर लेते हैं कोयला का, पेट्रोल का, तो इसको एक बार प्रयोग करने के बाद, एक बार यूज करने के बाद जब ये यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसको बनने में हजारों वर्ष लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाता है, यानी कि थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाता है बनने में। ये बात आई समझ में। अब याद कैसे रखना है, तो इनको याद रखने के लिए दो ही चीजें याद रखनी है। सबसे पहला अनलिमिटेड लिमिटेड, दूसरा आसानी से बना सकते हैं यानी कि आसानी से इजीली रीजनरेट कर सकते हैं, और इसको आसानी से नहीं बना सकते, इसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, थाउजेंड एंड मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। ये बात क्लियर हुआ। तो एग्जाम्पल ध्यान में रखना है आप लोगों को, एग्जाम्पल याद रखना ही रखना है, और ऑफलाइन के भी जितने भी बच्चे हैं, मैं सबसे कुछ पूछूं ना पूछूं एग्जाम्पल के माध्यम से पूछने का जरूर कोशिश करूंगा ही करूंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए एग्जाम्पल को बहुत बेहतर तरीके से समझना, क्योंकि एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है। तो ये बात समझ में आई, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ये बात क्लियर हो गया। अनलिमिटेड लिमिटेड, और उसके बाद आसानी से दोबारा बना सकते हैं यानी कि इजिली रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, थाउजेंड्स और मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं बनने में। क्लियर, अब हम आगे चलते हैं।
उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि जो संसाधन है उसका स्वामी कौन है, मालिक कौन है, ऑनर कौन हो सकता है। तो चार प्रकार, इसका चार टाइप्स हमने समझा था। तो सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस, या फिर सामुदायिक संसाधन यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेस। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्सेस, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेस। तो व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है? जिन संसाधनों पर एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। द रिसोर्सेस विच आर ऑन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्तिगत साइकिल, पर्सनल बाइसिकल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल या कार, और कार एटसेट्रा। और साइकिल से मुझे याद आया, पार्किंग में कोई साइकिल लगा के चले गए हैं, पता नहीं किनका है और बहुत दिनों से रखा हुआ है। अच्छे साइकिल है, ले जाना, नहीं तो मैं यूज करने लगूंगा, ध्यान रखना। हाँ, तो व्यक्तिगत, अब ये व्यक्तिगत संसाधन यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है, आप अपने एग्जाम्पल से समझो कि जिस संसाधन पर, जैसे बिल्डिंग हो गया, अगर वो बिल्डिंग या तो आपके नाम से है या फिर उस बिल्डिंग पर आपके फैमिली में से किसी के भी नाम पर, या यानी कि सीधे कहें वो बिल्डिंग या तो आपका है या फिर वो आपका फैमिली का है, तो इस तरह के संसाधन को क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहेंगे। ये बात आई समझ में? जिस बिल्डिंग पर आपका या फिर आपके फैमिली का अधिकार होगा, जिन संसाधन पर एक व्यक्ति या फिर एक परिवार का अधिकार होगा उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये सारे। उसके बाद सामुदायिक संसाधन क्या होगा, कम्युनिटी रिसोर्सेस क्या होगा, बिल्डिंग से ही समझते हैं। तो जिस बिल्डिंग पर, जिस मकान पर या तो किसी गांव का अधिकार होगा या फिर किसी मोहल्ला का अधिकार होगा। आज समझ में? अगर बिल्डिंग पर या तो गांव का अधिकार होता है, गांव के सभी लोगों का अधिकार होता है, या फिर मोहल्ला के सभी लोगों का अधिकार होता है, तो वो बिल्डिंग अब पर्सनल नहीं रह गया है, पब्लिकली हो गया है। आए समझ में? तो ऐसे संसाधन को, ऐसे रिसोर्सेस को सामुदायिक संसाधन यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेस कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखो, जिन संसाधनों पर गांव या मोहल्ला के सभी लोगों का अधिकार होता है, जिन संसाधनों पर गांव या मोहल्ला के सभी लोगों का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। द रिसोर्सेस ओवर विच ऑल द पीपल ऑफ द विलेज और ग्रुप ऑफ पीपल हैव अ राइट आर कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेस। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे सार्वजनिक पार्क, पब्लिक पार्क्स हो गया। पब्लिक पार्क्स पर क्या किसी एक फैमिली का अधिकार होता है? नहीं। किसी एक लोगों का अधिकार, व्यक्ति का अधिकार होता है, पर्सन का अधिकार होता है? नहीं होता है। उस पर आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन सबका उस पर अधिकार होता है, उन सबका वो लोग यूज कर, वो सब मिल करके उनका यूज कर सकते हैं। खेल के मैदान हो गए, उसी तरह पिकनिक स्थल हो गए, ये सारे के सारे पिकनिक स्पोर्ट्स, उसके बाद प्ले ग्राउंड हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, ये सब के सब सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी का रिसोर्सेस है, कम्युनिटी रिसोर्सेस है, सामुदायिक संसाधन है। ये बात आएगी समझ में? व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन में क्या अंतर है ये समझ में आ गया कि व्यक्तिगत संसाधन में जिस संसाधन पर या तो आपका या फिर आपके फैमिली का अधिकार है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहेंगे। लेकिन जिस संसाधन पर किसी गांव के सभी लोगों का अधिकार होगा, यानी कि आसपास के जितने भी लोग हैं उनका अधिकार होगा या फिर मोहल्ला में जितने लोग रह रहे हैं उनका अधिकार होगा, उस तरह के संसाधन को सामुदायिक संसाधन यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेस कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रखना आप लोग, ध्यान से नोट भी करना है, नोट्स करते रहना है, और कैसे करना मैंने बता दिया था आपको ऑफलाइन क्लास में, याद रहेगा। उसके बाद था राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के बेसिस पे चार टाइप के थे, व्यक्तिगत, सामुदायिक, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, और उसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय क्या है? देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। द रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन द कंट्री आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेस। देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। द रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन द कंट्री आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेस, यानी कि देश के अंदर जो भी संसाधन है, कोल, ऑयल, मेटल्स हो गया, रॉक्स हो गया, है ना, जल, जंगल, जमीन, यानी कि जितने भी ये सारी चीजें हैं, पर्वत हो गया, माउंटेन हो गया, पठार यानी कि प्लेटू हो गया, आपका मरुस्थल है यानी कि डेजर्ट हो गया, ये सब हमारे लिए संसाधन है।
आज समझ में इनका हम उपयोग करते हैं, लेकिन ये किसी भी देश के अंदर होगा तो वो देश का संसाधन कहलाता है। आज समझ में, देश के अंदर जो भी संसाधन है, पार्क वार्क से लेकर के जो भी बिल्डिंग वगैरह है, वो सब के सब किसका संसाधन होता है? टेक्निकली यानी तकनीकी रूप से होता है, देश का संसाधन कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द कंट्री आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। अगर इस देश के अंदर आपका घर है, यानी कि जो व्यक्तिगत संसाधन है, आपका घर व्यक्तिगत संसाधन के अंदर आता है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आता है, लेकिन वो घर भी राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है टेक्निकली, तकनीकी तौर पर। ये बात आई समझ में? तो देश के अंदर जो भी संसाधन होंगे वो सब के सब राष्ट्रीय संसाधन यानी कि नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? जिन संसाधनों पर विश्व के सभी देशों का अधिकार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। द रिसोर्सेस ओवर विच ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव राइट्स आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेस। ये वैसे ही है, मतलब व्यक्तिगत और सामुदायिक में जितना अंतर था ना, कि व्यक्तिगत पर एक व्यक्ति या एक फैमिली का अधिकार होगा और सामुदायिक पर सभी गांव के सभी फैमिली का या सभी व्यक्तियों का अधिकार होगा, उसी तरीके से जिस संसाधन पर केवल एक देश का अधिकार है तो राष्ट्रीय संसाधन, और जिस संसाधन पर, जिस रिसोर्सेज पर विश्व के सभी देशों का अधिकार है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। ये बात आई समझ में? जैसे क्या क्या एग्जाम्पल में, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो ये बात आप लोगों को पता है ना कि हमारे विश्व में कितने महाद्वीप है, कितने कॉन्टिनेंट है? 7। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका। पांचवा कौन सा है? अंटार्कटिका। छठा कौन सा है? यूरोप। और सातवां है ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ये बात आई? तो पांचवें नंबर पर कौन था? अंटार्कटिका महाद्वीप था, अंटार्कटिका महाद्वीप। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर सभी लोगों का अधिकार है, सभी देशों का अधिकार है। एक ही सातों में से केवल एक ही ऐसा महाद्वीप है जिसपे सभी देशों का अधिकार है, उसी को हम किस में कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद समुद्री तट रेखा से, यह भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, समुद्री तट रेखा से 200 मील के बाद का क्षेत्र, द एरिया बियॉन्ड 200 माइल्स या मील्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब यानी कि तट रेखा किसी भी देश का ये होता है, समुद्री वाला भाग। आए समझ में? यहाँ ये वाला देख लो, और यहाँ से 200 मील, मान लेते हैं कि यहाँ से आया मापा और यहाँ पर 200 मील हो गया, तो 200 मील के अंदर वाला जो भाग है, आए समझ में, यानी किस तरह से 200 मील हो जाएगा, तो 200 मील के अंदर वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज, क्योंकि ये देश के अंदर आएगा। लेकिन इसके बाहर वाला जो भी भाग आएगा उस पर सभी देशों का अधिकार होता है। माने कि 200 मील के अंदर जो भी रिसोर्सेस मिलेंगे, 200 मील के अंदर अगर यहां पर कोयला मिलता है तो ये कोयला किसका, कौन सा रिसोर्सेस होगा? राष्ट्रीय संसाधन होगा, नेशनल रिसोर्सेस होगा। लेकिन अगर तेल कह रहे हैं, अगर लेकिन तेल 200 मील के बाद का मिलता है तो वो कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि उस पर सभी देशों का अधिकार होता है। ये बात क्लियर हुआ? समझ में आए? तो ये बस याद रखना, आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो ये हो गया स्वामित्व के आधार पर, अब अगला क्या है? विकास के स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर भी चार प्रकार के संसाधन थे। सबसे पहले दो की बात करेंगे, तो पहला है विकसित संसाधन यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेस, दूसरा है संभावित संसाधन यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेस। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, विकसित यानी कि डेवलप्ड, यानी कि उसका हम प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, वो संसाधन पूरी तरह से विकसित हो चुका है। तो क्या लिखा है? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, किसी भी प्रदेश में विद्यमान है, विद्यमान को कहते हैं मौजूद है, और इनका उपयोग अभी किया जा रहा है, उपयोग भी अभी हो रहा है। दो ही चीजें याद रखनी है, सबसे पहली बात तो वे कहां पर ये है या नहीं है, संसाधन है या नहीं है तो है, दूसरा इसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा तो हो रहा है, तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहेंगे। द रिसोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन अ रीजन, द रिसोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन अ रीजन एंड आर ऑल्सो बींग यूज आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेस।
हमें पता है कि उस प्रदेश में, उस रीजन में कौन सा संसाधन है, कौन सा रिसोर्सेस है। पता लगने के बाद अगर उस संसाधन का प्रयोग हम कर रहे हैं, उस संसाधन का, उस रिसोर्सेस का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वैसे रिसोर्सेस को, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? विकसित संसाधन, यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, कोयला, जहां जहां पता है वो पता हमें कि कोयला कहां कहां, किस किस प्रदेशों में, किस किस रीजन में है, और उसके बाद इसका प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। ये जो बिजली और आपको लाइट वगैरह दिख रहा है वो कैसे है? कोयले से बिजली तो बन रही है, आए समझ में? बिजली कहां से आ रही है? कोयला से तो आ रही है, ये बात आई समझ में? तो इसलिए इसकी एक कौन सा संसाधन हो गया? विकसित संसाधन, यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेस। क्या याद रखना है कि प्रदेश में मौजूद है या नहीं है, प्रदेश में विद्यमान है या नहीं है, ये बात समझ में आ गई? क्लियर? उसके बाद इसको समझते हैं तो ये और समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। संभावित संसाधन, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेस, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान या मौजूद है, इसमें भी मौजूद था, इसमें भी मौजूद है, परंतु महंगी होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावित संसाधन कहलाते। रिसोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन अ रीजन बट आर नॉट यूज्ड ड्यू टू बीइंग एक्सपेंसिव आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेस। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है? बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कि इसमें भी पता है कि संसाधन क्या है, इसमें भी पता है हमें संसाधन क्या है, यानी कि रिसोर्सेस क्या है, लेकिन इसमें जो संसाधन पता है हमें, उसका हम उपयोग अभी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो संसाधन हमें पता था, रिसोर्सेस पता है, उसका उपयोग हमें, हम अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी महंगी है, वो एक्सपेंसिव है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस आया? दोनों लगभग सेम है। इसमें संसाधन उपयोग नहीं हो रहा है, इसमें संसाधन उपयोग हो रहा है, और इसमें संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये बात क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अब आगे देखो एग्जाम्पल में क्या क्या है इसके। उदाहरण के लिए, राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन राजस्थान एंड गुजरात विंड एंड सोलर एनर्जी हैव नॉट बीन यूज्ड प्रॉपरली। यानी कि विंड एनर्जी है ये हमें पता लग गया है, सोलर एनर्जी है ये हमें पता लग गया है, टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ ला दिए हैं, लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव है, ये इतना महंगा है कि लोग इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आए समझ में? लोग इसका प्रयोग अभी नहीं कर रहे हैं, सरकार भी इसका बहुत ही कम प्रयोग कर रहा है, बाकी प्रयोग किसका कर रहा है? कोयले से ही बिजली बना रही है। ये बात आई समझ में? किससे बिजली बना रही है? कोयला से ही बिजली बना रही है। तो विकसित संसाधन, संभावित संसाधन में अंतर पता लगा कि वे संसाधन जो प्रदेश में, ये पहले देखना कि प्रदेश में मौजूद है या नहीं है, तो है, इसमें भी प्रदेश में मौजूद है संसाधन, लेकिन इसका उपयोग हो रहा है, तो इसका उपयोग हो रहा है तो विकसित संसाधन, अगर संसाधन का उपयोग नहीं हो रहा है तो संभावित संसाधन कहलाएगा। ये बात क्लियर? समझ में आया? आगे चलते हैं। अब लास्ट है, आखिरी है दो, भंडार और संचित कोष, यानी कि स्टॉक और रिजर्व। ये क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसको टेक्नोलॉजी से याद रखना, तकनीक से याद रखना। सभी संसाधन में कुछ ना कुछ शब्द कॉमन थे, उस चीज से याद रखने की कोशिश करना। सबसे पहला तो वो संसाधन जो प्रौद्योगिकी के कमी के कारण मानव की पहुंच से बाहर है। दोज रिसोर्सेज विच आर आउट ऑफ रीच ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड स्टॉक, यानी कि भंडारित संसाधन कहलाते। इसका मतलब क्या है? जो हमें पता है, देखो विकसित संसाधन में क्या था, उसमें भी पता था कि संसाधन क्या है, रिसोर्सेस क्या है। संभावित संसाधन में हमें पता था कि रिसोर्सेस क्या है, संसाधन क्या है, लेकिन विकसित संसाधन में जो संसाधन पता था हम उसका उपयोग कर रहे थे, जैसे कोयला से बिजली बनाना, यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेस में। उसके बाद अगर हम बात करें संभावित संसाधन की, पोटेंशियल रिसोर्सेस की, तो उसमें क्या था, उसमें हमें संसाधन क्या है ये भी पता है, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे उपयोग? क्योंकि वो एक्सपेंसिव था, महंगा था। इसमें हमें पता है, इसमें भी पता है कि संसाधन क्या है, भंडार वाला में, रिसोर्सेस क्या है, स्टॉक वाला में, लेकिन इसमें हम टेक्नोलॉजी के कारण उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये बताई समझ में? संभावित संसाधन में क्या था, महंगी होने के कारण उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, और इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक से जल बनाना। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड ऑफ टू फ्लेमेबल
गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि H2O को यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है, वाटर। तो ये हमें पता चल गया संसाधन क्या है, लेकिन टेक्नोलॉजी के कमी के कारण हमारे पास इतना भी तकनीक उपकरण नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण ये हम फॉर्मूला भी नहीं उपयोग कर पा रहे हैं। ये बात समझ में आई, एक एक शब्द में बस डिफरेंस है। उसके बाद है संचित कोष रिजर्व। क्या है संचित कोष रिजर्व, ये क्या है, वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के स्तर पर मानव की पहुंच में है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी इसकी पता है और उसके बाद इसका भी उपयोग, लेकिन इसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, संचित संसाधन कहलाते हैं। रिसोर्सेज दैट आर करंटली एक्सेसिबल टू ह्यूमंस एट द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बट हैव नॉट येट स्टार्टेड टू बी यूज्ड आर कॉल्ड रिजर्व। इसका क्या मतलब, इस दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला तो इसमें टेक्नोलॉजी नहीं था जिसके कारण हम प्रयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी हमें पता लग गया है, हमने सब कुछ कर भी लिया, लेकिन इसका उपयोग अभी हम नहीं किए हैं, हम बाद में कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को संचित, यानी कि ये हमारे लिए रिजर्व है, ये हम संचित करके रखे हुए हैं, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, संचित कोष यानी कि रिजर्व। उदाहरण के लिए नदियों के जल से विद्युत पैदा करना, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वाटर ऑफ रिवर्स। एक थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये नदी जा रही थी, इस नदी पर हमने बांध बना लिया, डैम्स बना लिया। बनाने के बाद बिजली से संबंधित जो भी मोटर वगैरह है, पोल्स वगैरह, खंभा वगैरह है, जो भी तार कॉइल्स है, सब कुछ लगा दिया है, यानी कि उसको हम तभी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोयले से बिजली बन ही रहा है, जब कोयला से बिजली बनना बंद हो जाएगा तब हम इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से हमारे लिए रिजर्व हो गया। क्या हो गया, रिजर्व की ये हमारे लिए आरक्षित है, ये संचित है हमारे लिए। ये बात आई समझ में, तो चारों में समझ में आया अंतर, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे वाला, बाकी आप तो पीछे देख सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या था, विकसित संसाधन डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या था कि जो संसाधन प्रदेश में विद्यमान है या नहीं, मौजूद है या नहीं, और इसमें भी मौजूद है या नहीं, तो इसमें भी मौजूद था, इसमें भी मौजूद था, इसमें भी एग्जिस्ट था, इसमें भी एग्जिस्ट था, लेकिन इसका उपयोग अभी हो रहा है, तो विकसित संसाधन, लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, महंगी था, इसलिए संभावी कि संभावना है कि आने वाले समय में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए संभावी यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। एग्जाम्पल सब लोग याद रखना। उसके बाद भंडार में क्या था, टेक्नोलॉजी के कमी के कारण मानव के पहुंच से बाहर था, और इसमें टेक्नोलॉजी के कमी के, टेक्नोलॉजी तो है प्रयोग भी कर, लेकिन टेक्नोलॉजी इसमें खोज ली है लेकिन प्रयोग अभी नहीं कर रहे हैं। ये बात आई समझ में, सब कुछ इसमें फिट कर दिए हैं पूरी तरह से, हमें पता है कि क्या करना है, लेकिन इसका प्रयोग अभी हम नहीं किए हैं, इसलिए ये रिजर्व है अभी, कि आने वाले समय में हम इसका प्रयोग करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। ये क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये था आपका संसाधनों के प्रकार, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, एक एक शब्द से याद रखना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ध्यान रखना कि नोट्स करना है, याद करके आना है, मैं पूछूंगा अगले क्लास में, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।